अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद फैसल और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फैसल वजीर के नाम से। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और आप लोग खुश होंगे, रमज़ान को एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो 15वां रमज़ान है और हम जा रहे हैं बाहर, मैं और साथ में मेरा जो दोस्त है शफीक, वो भी जा रहा है। वो मेरे साथ वो आज बाहर से सामान लाएंगे और फिर गैस वगैरह जो कि निसार भाई घरों में है, वो किसान हाल में रहते हैं फ़िलहाल, उधर से गैस वगैरह उठा के फिर हम जाएंगे बाहर और गैस भरवा के ये सारी चीज़ें अरेंज कर लेंगे। क्योंकि आज सुबह का प्रोग्राम है, अफ्तार पार्टी भी कह सकते हैं इसको। वो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि उसमें एक स्पेशल बनो का जो डिश है वो आपको पका के दिखाएंगे इंशाल्लाह। सो आप लोग हमारे साथ रहें और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मेरी ये वीडियो आज मेरे जितने भी दोस्त हैं जो डिमांड कर रहे थे कि फैसल भाई आप हमें उर्दू में अगर बनाएंगे व्लॉग्स तो बहुत अच्छे होंगे, बिकॉज़ आपके पश्तो की समझ हमें नहीं आ रही। सो आज ये भी मैं कह दूँ कि आप लोगों के लिए स्पेशल उर्दू में बनाने लगा हूँ। हम आज कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू में आप लोगों के साथ बात की जाए। शफीक भाई भी कह रहे हैं कि उर्दू में ही ठीक होगा और ये लोग भी इंजॉय कर लेंगे और हम भी इंजॉय कर रहे हैं। सो हम जा रहे हैं अब किसान हाल की तरफ, वहाँ से सामान उठाएंगे, फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर दें। मेरे यूट्यूब के जितने भी व्यूवर्स हैं वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दें, हम आपके बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। सो चलते हैं आगे। किसान हाल की तरफ विकास वहाँ से सामान उठाएंगे और ये है हमारा आफाक भाई जो कि अब आया और ये भी हमारे साथ जाएंगे। विकास सामान कुछ ज़्यादा है वहाँ, सारा हमारा जो खाने पकाने का सामान है वो निसार भाई के रूम में रखा हुआ है। सो आज मिलवाएंगे आपको निसार भाई के साथ भी, और ये आफाक भाई है जो कि आप लोग देख सकते हैं। सो हम चलते हैं हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट हैं निसार भाई के पास, वो सारे आप लोगों को दिखाएंगे और आप उनके लोग साथ भी मिलवाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग हमारे साथ देख लें। अब हम जा रहे हैं किसान हाल की तरफ, वहाँ से खाने पीने का और पकाने का जो सामान है वो उठाएंगे, फिर वहाँ से सिलेंडर भी ले आएंगे निसार भाई से, विकास वो निसार भाई के पास होता है। छोटा सा चमन बनाया हुआ है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पौधे वगैरह और फूल वगैरह लगाए हुए हैं जो कि बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, और स्टूडेंट इसमें आगे इंजॉय करता है। और ये है हमारा हॉस्टल जो कि बहुत बेहतरीन डिज़ाइन किया हुआ है और बहुत खूबसूरत लग रहा है, सफाई सुथराई बहुत ज़बरदस्त है इसकी, आप लोग भी देख सकते हैं। और ये बहुत खूबसूरत हॉस्टल है और पुरसकून माहौल होता है। खाने पीने का सामान है,
वो निसार भाई के पास पड़ा होता है डिजाइन किया हुआ है। और वहाँ से लाएंगे। अब हम लाएंगे गैस वगैरह वो सारा कुछ जितना किसान भी। हाल में रहते हैं, सो हम जाएंगे किसान हाल और वहाँ से सिलेंडर, देगची, ये सारी चीज़ें, तौलिया वगैरह, चोरियाँ, ये सारी चीज़ें वहाँ से उठा के लाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि बनो स्पेशल गोश्त पुलाव कैसे बनता है। आप लोग हमारे साथ रहिए और इंजॉय कीजिए इस व्लॉग को। हम भी इंजॉय करेंगे आप लोगों के साथ। कमेंट्स में आप लोग अपने राय ज़रूर दें। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि तमाम आने वाली जो नई वीडियो वो आपको बरवक्त मिल सके और आप इंजॉय करें हमारे साथ। हमारा कोई जो भी एक्टिविटी होगी आज वो उर्दू में होगी। अब हम जा रहे हैं हाल के किसान। अंदर और ये है किसान हाल जो कि बहुत खूबसूरत व्यू पेश कर रहा है। और ये इधर भी देख ले, इसके साथ चमन लगा हुआ है। अभी इसके अंदर जाएंगे और आपको इसका भी शेयर कराएंगे कि कैसा है किसान हाल। अब हम इंटर हो रहे हैं और ये है इसका फर्स्ट गेट। शायद नहीं है, इस वजह से बहुत अंधेरा है इधर बाहर हॉस्टल के अंदर। समझ। यहाँ पे बहुत तरीके हैं यार शायद बिजली। बिजली नहीं है इसमें या क्यों, लेकिन बहुत अंधेरा है। आप लोगों को भी दिखाई देगा कि पीछे बिल्कुल तारीकी तारीकी। हम बस पहुंचने वाले हैं निसार भाई के पास और उसके साथ आपको मिलवाते हैं कि उसका रूम जो है वो सेकंड फ्लोर पे है। सो हम उसके बाद ऊपर जाएंगे। यहाँ पे सीढ़ी आ रही है और सीढ़ियों पे चढ़ के वाले हैं और निसार भाई के साथ मुलाकात भी करेंगे, उसको इनवाइट करेंगे पार्टी के लिए। और इस अफ्तारी पे आज 15वां रमज़ान है, बुलवा लीजिए भैया। सो वो भी हमारे बस हम वो पहुंचने साथ वाले हैं। पार्टिसिपेट कर ले और इन्जॉय कर ले। आए देखते हैं और मिलते हैं हमारे भाई है निसार भाई के साथ। निसार भाई देख रहे हैं। निसार भाई हम अंदर आ सकते हैं? ये है निसार भाई और इसको हम अफ्तारी की दावत भी देंगे। हम आ गए निसार भाई निसार भाई आपके के रूम लिए में और यहाँ स्पेशल पे अफ्तारी इसने की दावत है हमारी तरफ से और आप आएंगे अगर कोई ज़्यादा मसरूफियात ना हो और जीना हाल ए में। ठीक है, तो हमने दावत दे दिया निसार भाई को और निसार भाई कह रहे हैं कि मेरे कुछ मसरूफियात है उसमें मैं बिज़ी हूँ क्योंकि तबलीग के शोबे के साथ मुंसलिक है। आज उनका ख़ुद भी कोई वहाँ पे प्रोग्राम है, उसमें इसकी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। सो निसार भाई ने कहा कि मैं वहाँ भी जाऊँगा और उनका खिदमत का काम जो है वो आज हमारे सपोर्ट की गई है। इस तरह उसने स्माइल दे दिया और हमारा शुक्रिया भी अदा किया कि भाई आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया और ये शरफ बख्शा कि मैं भी आप लोगों के साथ। ये खबर
ये है किसान हाल के साथ बीबीए का डिपार्टमेंट, यहाँ पे सारे जितने भी अकाउंटिंग के कोर्सेज हैं पढ़ाए जाते हैं, और ये हॉस्टल बिल्कुल उसके साथ वाक़ है। और बहुत खूबसूरत मौसम है आज, बड़ा ज़बरदस्त। आप लोग भी देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा है और कितना ज़बरदस्त मौसम। ये हॉस्टल के बाहर के जो ग्राउंड वगैरह हैं वो सब कुछ, और ये ले जा रहे हैं गेस्ट, उनको दिया हुआ है कि भाई ये भर के लाएंगे। और ये है हमारे पश्तून भाई, अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो वगैरह लगी है, इससे भी मेवा जात वगैरह लेंगे। अब जा रहा हूँ बैंक, बैंक से पैसे निकलवाने हैं, फिर उसके बाद सौदा सरफ सारा चीज़ें जो है ना वो लेंगे। हम पहुँच गए ATM, और यहाँ पे देखेंगे कोई गलत नहीं। चार किलो 100 ग्राम 2260, ठीक है। सारा सामान ले लिया, बस यहाँ पे सिर्फ गैस को ठीक करना है, बाकी फिर क्या है। बस है ना शुरू कर, या फैसल और अफाक जा रहे गैस भरने, गैस ख़त्म हो गया और गैस सिलेंडर थोड़ा बहुत मसला है, उसके बाद जाएंगे फिर हॉस्टल तैयारी करेंगे। सामान हो गया पूरा, और ये है सारा सामान, आप लोग भी देख सकते हैं। इसके बाद बारी आती है पकाने की, सो आप लोगों के सामने ही पकाएंगे, आप लोग वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हम जा रहे हैं वापस, ये सारे सामान लेके आ रहे हैं। आफाक भाई को थोड़ा ज़्यादा बोझ डाला हुआ है उस पर, लेकिन ना फिर भी हाँ हम पहुंच गए यूनिवर्सिटी के गेट पे, और ये हमारे वीसी साहब है जिसको बहुत सारे तमगे मिले हैं, पता नहीं किस चीज के लिए है लेकिन मिले हैं इसको, क्रेडिट गोज़ टू वीसी साहब। और ये हम इंटर हो गए, आफाक भाई सब बच्चा, ये सारा सामान लेके आ गए हम, और अब जा रहे हैं हॉस्टल। सही, हम हॉस्टल इंटर हो गए, और ये है हमारा हॉस्टल, फिर
से बताता हूँ, ये आफाक भाई जा रहे हैं, बहुत थक गए भाई। ये जो सारा सामान था ना, पैदल जाके सारे कुछ अरेंज करना और फिर अब बहुत थकाने वाली बात, लेकिन बस अब थोड़ा वक्त रहता है तो इंशाल्लाह ये सारा कुछ मैनेज हो गया। मेरे साथ जो आज हेल्पर है ना, जो पकाने में मेरा मदद करेगा, वो है शफीक भाई, आज खिदमत की जो है ना। और ये आ गया उसामा भाई, ये बर्तन वगैरह धो के लाया। सो इधर ले लो ये चमचा इधर। सो आप शुरू करते हैं, बस सब कुछ तैयार है, ये देख लें, ये गोश्त और ये टमाटर और वो काटे, ये प्याज और ये घी वगैरह, ठीक है। सो आज ही शुरू करें। और ये जो भाई है ना, ये माशाल्लाह काम वाम इसका वो कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ जिक्र के लिए बैठ रहे, ठीक है, आपने जिक्र के लिए बैठना है, ठीक है। हाँ, और सामा भाई भी तैयारियां पकड़ रहा है, पता नहीं कि क्या करने जा रहा है, सही से पता नहीं चल रहा। ये अब थोड़ा सूख जाए तो फिर करते हैं, ठीक। ये बाहर का सिनेरियो देखे, वाव। और यहाँ पे पक्का गर्म हवा है, थोड़ा दिख देगा। बन गया है वो तलिया, ठीक है। अब इसमें डालने हैं पानी और चावल, फिर इसको उबालेंगे तब तक जब तक वो पानी सूखने चाहिए। ये देख ले, ये भी है पखाने मोबाइल लोग उदाहरण क्यों था ऐसा कुछ भी संडा मुझे पता है। हां मेरा जैसा ना हो पर जब वीडियो फन लाइक ना बस माहौल यार يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Oh my gosh. ये बस अब सेट हुए हैं, ये देख ले, ये बिल्कुल एक बहुत बहुत नरम मुलायम। और ये उसका गोश्त देखो, वाओ। अब मिले तो
अब आपको बताता हूँ कि इनसे आपके सामने पूछता हूँ, आप लोगों ने बिल्कुल भी मेरी वो नहीं कर रही, मतलब मकान वगैरह नहीं कर रही, सीधे सीधे कहने की कैसे थे, जायका कैसा था, आप लोग इसको बताएं। बहुत जबरदस्त कैसे थे, बहुत ये आफाक भाई ने कमेंट असमत से पूछा है कि जायका कैसे लगा। वैसे जायका तो बहुत अच्छा था, ये वो क्या कहते हैं कि हमारे बन्नों का रवायती डिश है, मतलब कि बन्नो चिकन पुलाव था ये, और मतलब फैसल ने बहुत ज़बरदस्त बनाया था, बहुत खूब मेहनत किया था, और हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अब इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आने वाले नए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।